वर्ष के इस पंचमे इतवार का वचन के द्वारा प्रभु हमें साक्ष्य देने की आवश्यकता को समझाते हैं। बारहों को प्रेषण देते हुए सुसमाचार फैलाव कार्य का एक प्राथमिकता को प्रभु उन्हें सिखाते हैं। सुसमाचार की घोषणा के लिए सबसे जरूरी बात ये है कि ईश्वर में भरोसा रखें। जो भी प्रभु की साक्षी बनना चाहते हैं उनसे प्रभु ये चाहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखकर उनके आज्ञाओं का पालन करें और सुसमाचार की घोषणा करें। शिष्यों ने यीशु का उपदेश सुनते ही चल गए और लोगों को वचन सुनाए। आज का पहले पाठ में भी हम देखते हैं जब आमोस नबी ने जो चरा ही रहे थे तब प्रभु ने उन्हें बुलाया और कहा कि जाओ और मेरी प्रजा इसराइल के लिए भविष्यवाणी करो। उन्होंने ये सुनते ही चल पड़े और वचन सुनाया। हमसे भी प्रभु ये चाहते हैं कि हमारे जीवन के हर परिस्थिति में प्रभु की वाणी सुनते हुए कोई संकोच के बिना भरोसे के साथ ईश्वर का वचन सुनाए। हे प्रभु, आपके दिए गए कर्तव्य समझकर वचन सुनाने के लिए और आपके आदेशों पर चलने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए।